आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट वाला मसाला भिंडी कुछ खास मसालों के साथ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने यहाँ भिंडी ली है, भिंडी हमने यहाँ 200 ग्राम ली है और हमें भिंडी बिल्कुल नरम होनी चाहिए और कड़ी वाली भिंडी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। कड़ी वाली भिंडी हो तो आप इसे निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे कि इस भिंडी को हम कट करेंगे इस तरह से दोनों साइड से हमने कट कर दिया है और इस तरह से हमें भिंडी में छेद लगा देनी है ऐसे। और ऐसे हम देख भी लेंगे कि भिंडी हमारी जो है कि अंदर ख़राब तो नहीं है। अगर बड़ी भिंडी हो तो आप जो है इसमें से दो भाग कर सकते हैं और छोटी है तो आप इसमें से एक भाग कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम सारे भिंडी को जो है कि कट करेंगे। तो देखिए हमने सारे भिंडी को जो है कि काट लिया है और इसमें छील लगा लिया। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि भिंडी को आप धो लीजिएगा और धो करके इसे पोंछ लीजिएगा। तो मैंने इसे धो करके और इसे सूती कपड़े से मैंने इसे पोंछ लिया है। इसके बाद मैंने भिंडी को काटा है। तो अब हम क्या करेंगे कि भिंडी हमारी जो है लिसी लिसी ना करे, इसके लिए हमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं। इसमें हम नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ मैंने एक नींबू को निचोड़ करके इसका रस ले लिया है, इसके अंदर इसे डालेंगे और इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे रख देंगे। ऐसे क्या होगा कि भिंडी हमारी जो है लिसी लिसी नहीं करेगी। तो अब इसे हम रख देते हैं और जो इसमें हम मसाले डालने वाले हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। तो इसमें हम जो मसाले डालने वाले हैं वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। हमने यहाँ एक टमाटर लिया हुआ है मीडियम साइज का है, एक हमने प्याज लिया हुआ है और 4-5 हमने हरी मिर्च ली है और कुछ लहसुन की कलियाँ हैं और कुछ ये थोड़े से अदरक के टुकड़े हैं। तो हमें क्या करना है, इन सबको ग्राइंड करना है। प्याज को हम निकाल देंगे, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे अलग से और इन सबको हमें जो है ग्राइंडर जार में पीसना है। तो हम इसे पीस लेते हैं। तो देखिए हमने मसाले को भी पीस लिया है तो इसे हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ हमने 2 स्पून बेसन लिया है और बेसन को भी हम भून लेंगे। तो रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं कि उनका सीक्रेट क्या होता है, ये बेसन होता है। तो ये लोग बेसन डालते हैं जिससे हमारी मसाले भिंडी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हम बेसन को भून लेते हैं। तो ये देखिए बेसन हमारा भून चुका है और इसे हम निकाल लेते हैं। तो भिंडी को हम सरसों के तेल में बनाएंगे। तो तेल को गर्म होने देते हैं। तो अब हम इसमें भिंडी को डालेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। तो अब हम इसे चला लेते हैं और गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे ही हमें भिंडी को फ्राई करना है। अगर भिंडी जो है ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप इसके 2 बार में से फ्राई कीजिए। तो हम भिंडी के लिए जो सूखे मसाले डालने वाले हैं वो हमको दिखा देते हैं। तो ये मेरा जो है भुना हुआ जो है बेसन है। तो यहाँ मैं 1 से 1.5 चम्मच मैं यहाँ हल्दी पाउडर ले रही हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर है और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है ये कलर के लिए है और थोड़े से मैं यहाँ ले रही हूँ चाट मसाले, 1 चम्मच मैं यहाँ गरम मसाला ले रही हूँ, ये भी कूटा हुआ मसाला है। अब मसाले हमारे जो हैं कि सारे परफेक्ट हैं और भिंडी को हम देख लेते हैं कि फ्राई हुई कि तो ये देखिए हमारी भिंडी जो है फ्राई हो गई है। तो हमें क्या करना है, अब हम इस भिंडी को निकाल लेते हैं। इसका थोड़ा सा जो है कि तेल है, तेल को हमें निथाल निथाल के जो है कि भिंडी को निकाल लेना है। तो जिसमें मैंने भिंडी फ्राई की थी मैंने वही तेल लिया हुआ है और तड़का हम यहाँ जीरे का लगा रहे हैं। तो जीरे को थोड़ा सा रोस्ट होने देते हैं। तो हमने वही प्याज ली है जो हमने आपको दिखाया था, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी डाल करके हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और आप चाहें तो इसमें जो है कि गर्म मसाले भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन कलर की हो ना जाए।
तो ये देखिए प्याज हमारी जो है कि गोल्डन कलर की हो गई है और उसका कलर चेंज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो मसाले रखे हुए हैं अब उसके अंदर इसे डालेंगे और इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे जिससे कि हमारे मसाले जले। थोड़ा सा पानी में डाल लेते हैं नहीं तो मसाले हमारे जलने लगेंगे। और मसाले को जो है कि पानी डाल कर रख के हमें इसे पकाना है कि जो हमारे प्याज हैं बिल्कुल गल जाएं और थोड़ा ऊपर ऊपर तेल भी दिख लें। तो हम इसे जो है कवर करके पकाएंगे जिससे कि हमारे प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसका लेड हटा करके हम चेक करते हैं और ये देखिए ऊपर ऊपर तेल भी छोड़ दिया है और प्याज भी काफ़ी हद तक जो है गल चुकी है। तो अब इसमें हम गरम मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैं आधा चम्मच जो है गरम मसाला ले रही हूँ और इसे डाल करके हम चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं जो हमने टमाटर लहसुन जो हमने पीस करके रखा हुआ था, अब इसे भी डाल करके हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे जिससे हमारे मसाले जले नहीं। और इससे हम ढक करके ही पकाएंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें जो है मसाले को पकाना है। तो ये देखिए मैंने टमाटर डाल करके इसे थोड़ी देर तक इसे मैंने पकाया है और ये देखिए ऊपर ऊपर जो है मसालों के ऊपर जो है तेल लीली जो गया है। तो अब इसे हम चलाते हुए मिक्स करते हैं। तो यहाँ मेरे पास दही है, मैंने दही को फेंट लिया है, इसके अंदर हम दही भी डाल करके मिक्स करेंगे क्योंकि रेस्टोरेंट वाले दही डालते हैं, इससे जो है कि हमारे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और गैस की फ्लेम मीडियम रखिएगा, बिल्कुल स्लो स्लो गैस पे जो है कि आप दही डाल करके इसे तुरंत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे पकने दीजिए थोड़ी देर तक। तो दही डाल करके भी हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। अगर आपको दही का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें मलाई भी फेंट करके डाल सकते हैं। जो दूध आप लेते हैं दूध की जो मलाई आती है उससे जो है हमारी ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। इसे चलाते हुए हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो थोड़ा सा नमक ध्यान में रख के डालना है क्योंकि हमने भिंडी में भी नमक डाला था। और नमक भी डाल करके हम थोड़ी देर तक इसे और पका लेते हैं। तो दही डाल करके भी मैंने इसे 5 मिनट तक भूना है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो जितना ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करते हैं। तो पानी हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब पानी डाल करके हम इसे थोड़ी देर तक पका लेते हैं। तो पानी डाल करके भी हमने इसे पका लिया है, ग्रेवी हमारी पक चुकी है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ कस्तूरी मेथी। मैंने कस्तूरी मेथी को थोड़ा सा सेक लिया था और इसके अंदर हम क्रश करके डालेंगे। इसका फ्लेवर इसके अंदर जो है ग्रेवी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट देगा। इसे चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर हम डालते हैं ये जो हमने फ्राई करके भिंडी रखी हुई थी इसको, और भिंडी भी डाल करके हम इसे जो है कि थोड़ा सा ग्रेवी में पका लेते हैं। तो ये देखिए भिंडी को मैंने मसाले में डाल करके भी इसे पका लिया है। अब ये भिंडी हमारी बन करके तैयार है। तो इसे मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। तो ये देखिए मैंने मसाले भिंडी को जो है कि सब कर लिया है और ये हमारा जो है कि रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल वाली हमारी मसाला भिंडी बन करके दे दी है और ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। आप इसे रोटी के साथ चावल के साथ आप इसे खा सकते हो और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो मेरी हर ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।